लोगों से पूछा जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आप नहीं बता पाएंगे, ये कटु सत्य है। तो इस प्रकार से परखन के देवता भूले देविन लभुलाए, और फड़ा पेन की शक्ति भूले मूर्ति पुजाए। जिस शक्ति के द्वारा हम अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे उस शक्ति को हम भूल गए और मूर्ति पूजा में लग गए। अंधिन को आंख देत, कोढ़िन को काया और बांझन के पत्र देत, निर्धन के माया। जब अंधरन के आंखी देत देन बारो देवता है तो दुनिया में एक भी अंधरा नहीं रहते। अबे तक कोई भी अंधरा की आंख ठीक नहीं भैया, कहत भरे की अंधिन के आंख देत बाली बाली। कोढ़िन की काया, जिसके पास कोढ़ है वो आज भी ठीक नहीं हुआ है। अंधिन को आग देत, कोढ़िन को काया और बांझन के पुत्र देत, निर्धन के माया। यदि आप निर्धन हो तो माया काय नहीं मिल रही है, फिर गणेश जी की पूजा सबरे कर रहे हैं। उनके पास खुद ही कछु नहीं है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बनाई अंधिन के आंख, कोढ़िन के काया और बांझन के पुत्र देत, निर्धन के माया। माया के मिला थे तीन के झन के मिला तो तीन से चौथे के नहीं मिले। एक माया ओखे मिल गई, जैन मूर्ति बनाओ अच्छे से तैयार करो, कितने कितनी मेहनत लगी, उन्हें तुम्हें पैसा लेके और बेच दो, उन्हें समय बर्बाद करो हा तो मूर्ति बनान में ओखे की मजदूरी मिल गई। दूसरा, जब स्थापना करे हो तो तुम्हारी बस की बात तो है नहीं है, इतने आंखी आंखी बारे तो हो नहीं हाँ हो तुम कि तुम्हारी पूजा कर लो। पंडित जी के बोले हो नौदना का वो फ्री में पूजा कर है, वो भी पूरी थैली भर के ले जाए। ओखे मिल गई माया। और तीसरी माया जो साउंड वालों को मिला, उनका कार्यक्रम कर रहे हैं यार गणेश जी को तो स्पीकर लगाइए अच्छे से, तो जो भी नौदना कलान है भगवान को काम है, तो जे भी फ्री में लगा दे तो पंडित भी फ्री में पूजा कर दे तो बनान बारो भी फ्री में दे दे तो, लेकिन काय नहीं दे, विचार तो करो जरा। और जब वो इतनो शक्तिशाली हो तो फिर मूर्ति बना के बेच तो ही कायक है कोई, एक ठैया बना के धल्ले तो भीतर की भीतर ही। और जब भी बाजार जाने रहती तो कह तो देवराज में एक कछु पैसा चाहिए थी, मैं बाजार जा रहा हूं सामान लाऊ। यह हमारे साथ नौटंकी बनाया गया जबरदस्ती, हमें बर्बाद करने का, हमारी जेब खाली करने का, हमें धन संपत्ति से हीन बनाने का षड्यंत्र है जी। तो आठ नौ दिना तक वो की सेवा करे, और इसके बाद नौवे दसवें दिन ले जाके नदी में तालाब में सिरा दे हो। सिराना का मतलब होता है मिट्टी देना, इतना ही अंतर है कि ओखे पानी में सिरा दे। अब ओखे पानी में डूबे रहे हो तुम, उतनो बड़ो देवता के, बड़ा शक्तिशाली देवता के, तो तुम बच्चे हो। विचार करो जरा, जिसके हमने देवता माने, शक्तिशाली माने, आठ नौ दिन तक सेवा करने के बाद और ओखे ऐसी जगह में सिरा आए, सब यार साजो तालाब देख के थोड़ी सिरा आते, कहीं कहीं के तो गंदो तालाब में, गंदी नदी में भी सिराने पड़ते, जहां सबरे सोच वगैरह करते हैं, उतरे ले जाकर तुमने भगवान के डोबे आए। अब आप तुम कहां बाचो, तुम उभरे रहे हो, तुम्हें भी डूबे है वो। तो इस प्रकार से ये हमारे साथ में जो षड्यंत्र रचा गया है, इन सारी चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया कि परखन के देवता छोड़े देवी लभ लाए, और
फड़ा पेन की शक्ति भूले मूर्ति पुजाए। गणेश जी अकेले की बात नहीं है, दुर्गा जी की बात है, लक्ष्मी जी की बात है, दुनिया भर की मूर्ति बना बना के फोटो लगा लगा हम अपने घरों में चिपका रहे हैं, जिनमें कछु है ही नहीं। हाँ, मनुष्य बनावे मूर्ति मनुष्य ही पूजन हार, मनुष्य ना शक्ति दे सके बुद्धि जन करो विचार। हमने अपने कोई न कोई भाई ने बनाओ है, हाथ और पांव आंखी और कान सब कछु बना दो, पैर बने नींगे नहीं, हाथन नहीं कछु दे, और कान बने सुन है नहीं, नैनन नहीं कछु जोर, न वो पैरों से चल पा रही है, न हाथों से कछु दे पा रही है, एकदम अकड़ के बैठे है तो बैठे, न आंखों में दिख रही है, न बोल सक रही है, बाजू में कटोरा में दूध रख दो और बिलइए आके पियन लगे और वो छोर रहे कह दे तो मान जे कि नहीं आ रहे इनके दिखा आ रहे। तो इस प्रकार से आप लोगों से मेरा निवेदन है, बहुत कम शब्दों में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सृजन करैया फड़ा पेन की महिमा समझना पाए गुरु लिंगो महाराज, भूले को रास्ता बता दे। पांच देव हैं दुनिया में, कितने पांच देव हैं दुनिया में, कण कण समाए और धरती आगे पवन पानी गगन कहाए। पांच देव कौन कौन से हैं? गोंडी भाषा में भूटिया पेन, उमोटिया पेन, अदिटिया पेन, माटिया पेन और अगाटिया पेन कहते हैं, और उसे ही हिंदी में धरती आकाश हवा पानी और आगी। ये पांच तत्वों की संयुक्तिकरण से गंड जीव की काया बनती है। पांच तत्व जब तक संयुक्त हैं, जब तक पांच ही की सलाय बनी है, जब तक पांच इकट्ठे हैं, तब तक तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, गा रहे हो, खेल रहे हो। और जेदना पांच में से एकात कहीं निकर के चलोगे तो जे चार भी आप ही आप अपनी अपनी शक्तियों में समाहित हो जाते हैं। जैसे आकाश को आवाज शक्ति चली जाती है, पानी में पानी चला जाता है, हवा में हवा चली जाती है, अग्नि में अग्नि चला जाता है, मात्र मिट्टी भर बचती है। और इसलिए मिट्टी को मिट्टी में दफनाने का रिवाज है कि भैया जब आगी में आगी मिल गई, पानी में पानी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, आकाश के आवाज शक्ति चली गई, तो जब चार शक्तियां ऑटोमेटिक अपनी अपनी शक्तियों में समाहित तो हो गए, तो पांचवी शक्ति जो है मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का मतलब मिट्टी में गड्ढा, धरती में गड्ढा खोद करके और मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का रिवाज और परंपरा हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है, और हम उस बात पे आज भी कायम है, आज भी हमें मिट्टी देने की प्रक्रिया जारी है। तो इस प्रकार से वो पांच शक्तियां को हमें समझना पड़ेगा। सगा सोयरा गोत्र भूले समझना पाए, सगा सोयरा गोत्र भूले समझना पाए, और रिश्ता नाता पुरखा भूले काहे न जादू छाए। ऊना पूना भेद न जाने मनमानी कराए गुरु लिंगो महाराज, भूले को रास्ता बता दे। यानी हमारा जो सगा संबंध है, सगा गोत्र है, इसके बारे में हमें समझना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और वो कैसे, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने माता कली कंकाली के 33 बच्चों को लिंगो जी ने 12 सगाओं में विभाजन किया, और इस कोयमुरी द्वीप में प्रचार प्रसार हेतु आदेश किया, जो प्रकृति का दर्शन है उस दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए ये संपूर्ण कोयमुरी द्वीप में वो 33 के 33 ही निकल गए।
जिन्होंने इस धरती के मूल 33 तत्वों की खोज की और उस हिसाब से उन्होंने जो रिश्ता बनाया, एक देव वाले, तीन देव वाले, पांच देव वाले और सात देव वाले, ये सगा भैया भैया कहलाते हैं, और दो देव वाले, चार देव वाले और छह देव वाले, ये भी आपस में सगा भाई कहलाते हैं। मैं सलाम हूँ सात वालों से, पांच देव वालों से, तीन वालों से, एक वाले से मेरा रिश्ता हो जाएगा, ना कि चार वालों से या दो वालों से नहीं हो पाएगा। चार देव वाले और दो देव वाले मेरे सगा भाई कहलाएंगे, सगा संबंधी कहलाएंगे, परिवार कहलाएगा। इसी प्रकार से एक, तीन, पांच और सात देव वाले चार सगा ये भाई भाई कहलाते हैं, और दो, चार और छह ऐसे तीन सगा ये भी सगा भाई भाई कहलाते हैं। तो जैसे चार और तीन सात सगा और पांच भूमिका, ऐसे सात और पांच बारह सगाओं के रूप में हम जानते हैं। उन बारह सगाओं की जो व्यवस्था है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे नाते रिश्ते तमाम सब इसी से जुड़े हुए हैं और इसी में हमारा आपस में, मैं अभी चाहूं यहाँ पर एक एक दाऊ से, एक एक दाइयों से, और अपना रिश्ता यहीं पे स्थापित हो जाएगा, भले मैं कितने ही दूर से आओ हूं या कितने ही दूर चला जाऊं। यदि कोई मलावी लोग मिलेंगे वो मेरे रिश्तेदार कहला जाएंगे, यदि कोई मरकाम लोग मिल जाएं वो मेरे सगा भाई कहलाएंगे। इस प्रकार से हमारा रिश्ता तुरंत तय हो जाता है कि किसके साथ हम क्या रिश्ते में बोल सकते हैं और किसके साथ हम हंसी मजाक कर सकते हैं, किसके साथ हम हंसी मजाक नहीं कर सकते। ये हमारा रिश्ता दुनिया के विभिन्न समुदायों में से सबसे सर्वोच्च व्यवस्था हमारी है, जो आज अज्ञानता बस ना जानने के कारण हमारे बेटा बेटियां उल्टी पुल्टी रास्ता कर ले रहे हैं, उल्टे पुल्टे संबंध बना ले रहे हैं, अपने मन से वो इस व्यवस्था से हट गए हैं, इस व्यवस्था को नहीं जान रहे हैं। और इसलिए और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, उनको ये व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और ना वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से इस व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। हमारा पतन कैसे हो गया, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सगा सोयरा गोत्र भूले समझना पाए, रिश्ता नाता पुरखा भूले कैसे जादू छाए, ऊना पूना भेद न जाने मनमानी कराए गुरु लिंगो महाराज, भूले को रास्ता बता दे। ऊना पूना का मतलब ऊना ही ऊना में शादी विवाह होना, ऊना पूना में शादी विवाह होना, अने सम और विषम, सम सम में यदि, सम का मतलब होता है दो चार और छह देव वाले, विषम का मतलब होता है एक तीन पांच देव वाले, ऐसे सम और विषम मिलाकर के रिश्ते तय किए जाते हैं, ना कि सम सम में और ना ही विषम विषम में। तो इस प्रकार से गावत की गुंडवानी छोड़े आरती लगाए, कर्मा सैला दादरिया न लहकी सुहाए। आज की तारीख में हमारी जो गुंडवानी गीतन थी, गोंडवाना के रीति रिवाज थे, गोंडवाना के नृत्य थे, उन सारे नृत्यों को हम भूल गए हैं और हम दूसरे चक्कर में आके फंस गए हैं। हमारे कर्मा, हमारे शैला, हमारी ददरिया, हमारी लहकी, हमारे सांग सब के सब समाप्त हो चुके, और उसे कायम रखने के लिए ये आंदोलन चल रहा है कि हमारा कर्मा, हमारा शैला, हमारी ददरिया, हमारी लहकी जो है पुनः कायम रहे, क्योंकि जो हमारे प्राचीन, हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था है उसे हम कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अरे कव्वाली गजल फिल्मी विशिल बजाए गुरु लिंगो महाराज, भूले को रास्ता बता दे। अंत में कहा गया कि धर्म की रास्ता भूले चलन की रीति, आजा लिंगो देवगन गुरु बता दे तय नीति। सगा समाज ला ज्ञान बता दे, माथे दबाए गुरु लिंगो महाराज, भूले को रास्ता बता दे।
तो इस प्रकार से हम जो हमारे प्रेम की जो रास्ता थी जिसे धर्म कहा जाता है उस रास्ता को हम भूल चुके हैं, इसलिए हम लिंगो जी से निवेदन कर रहे थे कि आकर के हमें जो हमारे चलन की नीतियां हैं, रीति है, तीज है, त्योहार है, धर्म है, भाषा है, संस्कृति है, रीति है, रिवाज है, तमाम जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा संचालित की जाती थी, उसे हम पुनः जाने, पुनः समझें और उसे अपने जीवन में उतारें, ऐसा हम अपने लिंगो जी से निवेदन कर रहे थे कि आजा लिंगो देवगन गुरु बता देता है नीति, गुरु लिंगो महाराज भूले को रास्ता बता दे। तो इस प्रकार से मेरे भाई हम लोग कितने भटके हुए हैं और कितने हम लोग भूले हुए हैं, हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने रीति नीतियों को, अपने तीज त्योहारों को जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारी मातृ शक्तियां बैठी हैं और बड़ी तादाद में हमारे पितृ शक्ति लोग बैठे हुए हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है इस गौंडी पुनेम दर्शन के माध्यम से जो ग्राम डोगरा वालों ने, यहाँ की आयोजन समिति ने, आसपास के लोगों से आग्रह किया है, उनसे निवेदन किया है, उनसे सहयोग भी मांगा है, उपस्थिति भी मांगा है और सुनने समझने के लिए निवेदन भी किया है। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारी भाषा, दुनिया में इतने धर्म हो गए हैं, दुनिया में इतनी भाषा हो गई है, दुनिया में इतनी संस्कृति हो गई है और सभी संस्कृतियों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का अपना अलग अलग हिसाब किताब। हम अपने मन से, हमारे गुरु ने कल्पना नहीं किया है, काल्पनिक जो इतिहास है वो नहीं, जो प्रत्यक्ष में, जो सामने है, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उस बात को स्पष्ट रूप में बताया है। तो इस प्रकार से इस धरती पर गोंड, गोंडी और गोंडवाना की जो परिभाषा है, सबके सब लोग गोंड कहलाते हैं अपने आप में, चाहे वो कछु भी जाति के मानत रहे, लेकिन गोंड शब्द का मतलब दो शब्दों की मेल से बना हुआ है, आप सब लोग अच्छे से समझ लें। गो धन अंड बराबर गोंड, गो धन अंड बराबर गोंड, गो याने माता का कोख और अंड माने बच्चा, जो माता के कोख से निर्मित होकर के जन्म लेता है वो सभी के सभी गोंड कहलाते हैं। गोंड किसी जाति का नाम नहीं है, गोंड किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गोंड शब्द जो है राष्ट्रवाचक संज्ञा है, प्रजावाचक संज्ञा है। जैसे पंजाब में रहने वालों को पंजाबी कहा जाता है, गुजरात में रहने वालों को गुजराती कहा जाता है, महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी कहा जाता है, उड़ीसा में रहने वालों को उड़िया कहा जाता है, ऐसे ही गोंडवाना भूभाग में रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता है। तो गोंड जातिवाचक शब्द कोई भी कहे कि हम गोंड जाति के हैं, गोंड जाति नहीं, हम माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से, माँ के कोख से जन्म लिए हैं, इसलिए ही गोंड कहलाते हैं, गोंड जाति का नाम नहीं है। इस प्रकार से यह हम अपने मन से निकाल दें कि गोंड, गोंड के पास गोंडवाना, गोंड गोंडी और गोंडवाना, गोंड शब्द के बाद फिर उसमें इस ई को आई की एक ही मात्रा लगा देते हैं तो गोंडी हो जाता है। गोंडी गोंडवाना भूभाग में रहने वाले निवासियों की एक बोली भाषा को गोंडी कहा गया है।
जिसे गोंडी भाषा कहते हैं, क्योंकि भाषा एक ऐसा शब्द है कि वो स्त्रीलिंग में आती है, इसलिए इसे गोंडी कहा गया है, गोंडी भाषा। और गोंडवाना इस भूभाग का नाम है, इस धरती का नाम है। गोंडवाना किसी पार्टी का नाम नहीं, गोंडवाना किसी समुदाय का नाम नहीं, गोंडवाना किसी संस्था का नाम नहीं, गोंडवाना किसी संघ का नाम नहीं है। गोंडवाना इस धरती को कहा गया है, इस भूभाग को कहा गया है, इस भूभाग के ऊपर से गोंडवाना। और ये हमने नहीं, ये हमारे भूविज्ञान वेत्ताओं ने दिया है। इस प्रकार से धरती के आधे से अधिक भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं और आधे से कम भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। तो अंगारा लैंड में आर्य लोगों का जन्म हुआ और गोंडवाना लैंड में गोंड लोगों का जन्म हुआ। समय बीते, लगभग 13 करोड़ 50 लाख वर्ष के दौरान में जब इस गोंडवाना भूभाग का भी टूटना हुआ और उधर अंगारा लैंड का भी टूटना हुआ, तो इस गोंडवाना भूभाग के 5 खंड हो गए और उधर उसके 4 खंड। ऐसे 5 और 4 9, इसी को 8 खंड 9 द्वीप कहते हैं। हमारे पुरखे लोग कहते हैं कि 8 खंड 9 द्वीप, 7 समुद्र, 16 प्रकार की जलधारा, 52 लाख वनस्पतियों का ज्ञान हमारे पूर्वजों ने अर्जित किया है, आज भी मंत्रों के रूप में और वो स्थापित हैं। वही 8 खंड 9 द्वीप के रूप में जब हम अपने बेटा बेटियों की शादी करते हैं तो 9 खंबे का मंडप गढ़ा करके और उनको जीवन भर के लिए एक दूसरे को हाथ थमा करके और उनको सब आशीर्वाद प्रदान करते। तो इस प्रकार से उस मंडप के ऊपर भी जो वो आड़ी लकड़ी जो डाली जाती है वो भी सब हिसाब किताब की डाली जाती है। आज हमें जानकारी नहीं है तो हम कैसे भाई मड़वा बना ले थे, अलग बात हो जाए, लेकिन उन सब का विधान हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। जन्म के समय में जो जन्म संस्कार को संपन्न करते हैं वो प्रकृति के नियम के अनुसार, विवाह संस्कार प्रकृति के नियम अनुसार और मृत्यु संस्कार भी प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं। इसके विपरीत हम चलते हैं तो हमारा गोंडी धर्म जो है, गोंडवाना के सदस्य होने के नाते, गोंडवाना के गंड जीव होने के नाते हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा मानते हैं। और इसीलिए हम अपने धर्म को भ्रष्ट ना करते हुए और उसे नियम से हम पालन करना चाहिए हम सभी को, जिससे कि हमारा गोंडी और गोंडवाना बचा रहे। इस प्रकार से तो यही माता कलिकंकाली के जो 33 बच्चे थे जिन्हें लिंगो जी ने अपने गोटुल में रख करके गोंडी धर्म की शिक्षा और दीक्षा दे करके और 12 सगाओं में बांट करके इस कोयमुरी द्वीप में प्रचार प्रसार हेतु भेजा, उसी प्रचार प्रसार को अनुसरण करके कोया वंशियों ने कोक से जन्म लेने के कारण कोया वंशी भी कहते हैं। इस प्रकार से कोया वंशियों ने, गोंडवाना के गंड जीवों ने उन 33 देवताओं के बताए अनुसार प्रकृति के साथ चलना सीखा और प्रकृति के साथ चल करके छोटे छोटे गणराज्यों की स्थापना करते करते और इस गोंडवाना भूभाग पर बड़े बड़े गणराज्यों की स्थापना की गई, जो आज भी इतिहास में देखा जा सकता है। उनके गढ़ी, उनके किले, उनके महल, उनकी अटारियां, उनकी मीनारें, उनके बाग बगीचा चीख चीख के कह रहे हैं कि इस धरती पर गोंडों का राज्य था, इस धरती पर गोंडवाना का शासन था, इस धरती पर गोंडवाना भूभाग में रहने वाले कोया वंशियों की अधिसत्ता थी। वो हमारी अधिसत्ता कैसे चली गई, आज हम दर दर की ठोकरें कैसे खाने लगे, आज हम कैसे लुटने लगे, कैसे पिटने लगे, हम अपने आप को भूल जाने के कारण
हम अपने देवी देवताओं को भूलने के कारण, हम अपनी शक्तियों को भूल जाने के कारण, जिनमें कछु कोई शक्ति नहीं है, हम उनकी पूजा करने लगे।